नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आमला न्यूज 4 वॉलीबॉल क्लब के तत्वाधान में पुलिस ग्राउंड आमला में ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अब ऑल इंडिया टीमों के बीच रोमांचकारी मुकाबले का शुभारंभ रविवार देर शाम हुआ। आयोजित ऑल इंडिया प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रांतों से टीमें पहुंच अपने खेल का प्रदर्शन कर रही है, जिसका दर्शक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जिसका भव्य उद्घाटन भाजपा वरिष्ठ नेता मुकेश खंडेलवाल और भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला के कर कमलों से किया गया। इस प्रतियोगिता में अखिल भारतीय स्तर की टीमों ने भाग लिया। वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद मुजाहिद खान ने बताया कि पहला मैच एयरफोर्स नई दिल्ली वर्सेस बांदा होस्टल बनारस के बीच खेला गया, जिसमें एयरफोर्स नई दिल्ली ने जीत हासिल की। दूसरा मैच साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद और कुरुक्षेत्र हरियाणा के बीच खेला गया, जिसमें साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद ने जीत हासिल की। तीसरा मैच वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और एयरफोर्स नई दिल्ली के बीच खेला गया, जिसमें एयरफोर्स नई दिल्ली ने जीत हासिल की। मैच सेंट्रल रेलवे मुंबई और बैतूल के बीच खेला गया, जिसमें सेंट्रल रेलवे मुंबई ने बाजी मारी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता देखने बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में एकत्रित हुए और अपनी अपनी टीमों को उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता, गणमान्य जन और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। ज्यादा समय गवाए, जस्ट नंबर 15 ने बहुत सुंदर विकास कर लिया इस मैच का और उस तरह से एक और पॉइंट मिला 19-10। ऑन द लाइन गिरी, वेल लेफ्ट करने का प्रयास किया था लिब्रो और इस तरह से बनारस 10 अंकों से पिछड़ा हुआ है। वो दूसरा स्ट्रेटेजिक टाइम ऑफ लिया गया है। एक स्टैटिक टाइम आउट आपसी मात्रा के लिए बनारस के कोच मिल गया है। तो अभी स्कोर 20-10। आमला से खबर समय जगत के लिए हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Press the bell icon.